मैं तुम्हारा भाई लेके आ जाऊंगा बेस्ट लाइव स्टील एसएमपी का आईपीएन पोर्ट, जो कि वीडियो में कहीं पर भी आप लोगों को इस सर्वर का आईपीएन पोर्ट मिल जाएगा, तो स्किप करने का सोचना भी मत। और गाइस एक बात और बताते, तो ये सर्वर जावा प्लस पी वालों का होने वाला है, मतलब कि आप लोग इस सर्वर में फोन से भी आ सकते हो और लैपटॉप पीसी वगैरह से भी आ सकते हो। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, जितने भी बंदे गाइस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत ही मेहनत लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक तो सबको करना पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते गाइस 100 लाइक, तो फटाफट 100 लाइक कम्प्लीट करा देना भाई, आपके भाई के लिए एक लाइक तो पक्का कर देना मेरे भाई। और गाइस इतने दिनों से चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो भाई थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसी कारण गाइस मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आप लोगों को अभी भी आवाज सुनकर पता चल जाएगा, थोड़ा तो मेरा गला बैठ चुका है भाई पहले से। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं एसएमपी के बारे में। तो इस एसएमपी में गाइस आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए 5 रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं वीडियो में बता दूंगा, और इसके अभी मत करना क्योंकि रूल के बीच में भी आप लोगों को आईपी पोर्ट मिल जाएगा। तो इस एसएमपी के फर्स्ट रूल के हिसाब से गाइस आप लोगों को ओवर वर्ल्ड में इलाइट्रा यूज नहीं करना है, और हाँ भाई मैं इलाइट्रा यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस सर्वर का ऑनर हूँ। एंड सेकेंड रूल के हिसाब से गाइस आप लोगों को इस सर्वर में एक्सरे यूज नहीं करना है, बहुत से बंदे गाइस माइनिंग के टाइम एक्सरे यूज करते हैं, तो इस सर्वर में एक्सरे यूज मत करना भाई। एंड इस एसएमपी के थर्ड रूल के हिसाब से गाइस आप लोगों को ऐप के बंदे को नहीं मानना है, जो भी बंदा ऐप के होगा उसको मानना मत, इस एसएमपी में आप बैन हो सकते हो क्योंकि। एंड फोर्थ रूल के हिसाब से गाइस आप लोगों को इस एसएमपी में टीएनटी वगैरह ज्यादा मत लगाना, यहाँ पर बहुत से बंदे लगा चुके हैं, तो भाई मैं पहले बता देता हूँ टीएनटी वगैरह ज्यादा मत लगाना। एंड लास्ट रूल के हिसाब से गाइस आप लोगों को इस एसएमपी में 5 डे के अंदर ज्वाइन होना ही होना है भाई, वरना आप बैन हो सकते हो, तो 5 डे के अंदर ज्वाइन हो जाना इस एसएमपी में खेलने के लिए। तो यही 5 रूल गाइस आप लोगों को इस एसएमपी में फॉलो करके चलना पड़ेगा, तो आप लोग बैन नहीं हो गए, अगर आप लोग ये एसएमपी के रूल तोड़ दोगे तो आप लोग बैन हो सकते हो। एंड रही बात गाइस सर्वर की आईपीएन पोर्ट की, तो आईपी पोर्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग वीडियो स्लो करके देख लो भाई, मैं क्योंकि 1 सेकंड के लिए दिया हूं, तो आप लोग अगर फास्ट में देखोगे या नॉर्मल में देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आईपीएन पोर्ट, तो स्लो करके देख लेना भाई। एंड